लालू परिवार की लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती रही हैं। पिछले कुछ दिनों में लालू परिवार को वो सब कुछ झेलना पड़ा जो किसी परिवार को झेलने में बहुत कठिनाई होती है। एक तरफ लालू बीमार है, दूसरी तरफ सजा याफ्ता है, जेल में, वहीं तीसरी तरफ तेज प्रताप यादव लगातार अपनी पत्नी से खफा है। खफा ही नहीं है, तलाक दे दिया है। तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर है। कोर्ट ने जब बुलाया लोगों को तो तेज प्रताप वहां पहुंचे मगर अपने घर नहीं जा रहे हैं। बिहार आए, पटना आए, पटना में आकर सदन में भी गए मगर घर नहीं गए। घर गए भी रात में तो सामान उठाकर वहां से चलते बने। अब न्यूज बिहार खोज कर लाया है वो राज, जिस राज की वजह से तेज प्रताप अपने घर नहीं जा रहे हैं। आज न्यूज बिहार बताने जा रहा है आपको तेज प्रताप यादव अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक निजी पोर्टल से बात करने के दौरान ये बातें बताई कि वो अपने भाई और मां से मिलना चाहते हैं, वो अपने भाई से बात करना चाहते हैं, मां की गोद में बैठना चाहते हैं, मां से बातें करना चाहते हैं, मगर क्या करें, वो घर जाएंगे तो उनकी पत्नी इंतजार कर रही है। वो अपनी पत्नी के सामने नहीं जाना चाहते हैं, उस पत्नी के सामने नहीं जाना चाहते हैं जिस पत्नी ने उनका तिरस्कार किया है, जिस पत्नी ने उनको मजबूर कर दिया कि वो अपने भाई और मां को छोड़कर अलग रहे। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से तेज प्रताप अपने घर नहीं जा रहे हैं। एक निजी चैनल से बात करने के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पिता के लगातार संपर्क में है, वो अपने पिता को मना रहे हैं। मना क्यों रहे हैं? मना इसलिए रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनके पिता लालू प्रसाद यादव मान जाए कि उनका तलाक हो जाए। तलाक को लेकर वो दृढ़ संकल्पित हैं। कोर्ट में जाने के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वो अडिग हैं। अब देखना यह है कि तेज प्रताप यादव कब तक घर नहीं जाते हैं। फिलहाल ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी है वो घर पर मौजूद है और इसी वजह से तेज प्रताप घर नहीं जा रहे हैं। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज बिहार पर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।